व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग सेफ एंड साउंड हो। भाई 40 मिलियन केसेस हम लोग ने क्रॉस कर चुके हैं और कल तो रिकॉर्ड बन गया, मतलब 90,000 केसेस, मतलब इंडिया अभी सेकंड नंबर पे आ गई। हम लोग ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है और हमारे आगे है हमारी प्यारी मोदी जी की फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप की देश यूनाइटेड स्टेट्स। वैसे सुनने में आया कि बहुत जल्द हम लोग भी नंबर वन पे आने वाले हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ ना हो और जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए, बट एट प्रेजेंट वर्स्ट सिचुएशन इज हम लोग अभी सेकंड नंबर पे है। हम लोग ने ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। पर आज का टॉपिक तो आप लोग ने जैसे देख लिया है कि पबजी बैंड हो गया है, पर इसका एक अल्टरनेटिव भी आया है जो है इंडियन गेम फौजी। जी हाँ, फौजी, जिसे सुनने में आया है कि अक्षय कुमार लॉन्च करने वाले। मतलब अक्षय कुमार का फौजी गेम से क्या रिलेशन है कुछ समझ में तो आया नहीं है, शायद इनको बहुत अच्छा खासा पैसा मिला होगा इसको लॉन्च करने के लिए। तो मेरे ख्याल से अक्षय कुमार को चूज ना करके कोई हमारे इंडियन मिलिट्री के कोई अच्छे से कमांडर या इंडियन मिलिट्री के सोल्जर्स के थ्रू अगर ये गेम लॉन्च किया जाए तो बहुत अच्छा होता था। पर कहते हैं ना कि कोई भी चीज लॉन्च करने के पहले एक बड़ा नाम होना चाहिए, तो अक्षय कुमार जी जो घर पे भी अभी शायद बैठे हैं, कुछ पिक्चर तो कुछ कर नहीं, वैसे सब एक्टिव ही कुछ कर नहीं रहे, तो अक्षय कुमार जी को चूज किया गया क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया यहाँ पे नाम बिकता है। तो सुनने में आया है कि फौजी, अभी फौजी गेम एक इंडियन बेस्ड गेम है, इसे एनकोर गेम्स करके कंपनी है, इंडियन कंपनी है जो गेम्स बनाती है, उसके जो ओनर है या को फाउंडर आप कह सकते हैं, आई एम नॉट श्योर द नेम, इट्स विशाल गोंडाल या कुछ नाम है, हु केयर्स, नो वन केयर्स अबाउट दैट। तो वो अक्टूबर एंड में इसको लॉन्च करने वाले हैं, पर डेट उन्होंने अनाउंस नहीं किया है कि कब ये उन लोग लॉन्च करेंगे, पर ऐसा सुनने में है कि वो अक्टूबर एंड में इसको लॉन्च करने वाले हैं। और ये भी मतलब बहुत सारे मिसकंसेप्शन आया है कि ये पबजी के लेवल का गेम होगा, पर सबसे पहले मैं चीज एक बता दूं, पबजी एक हाई कॉन्फ़िगरेशन, हाई डेफिनेशन और एकदम बोलते हैं कि प्रोफेशनल गेम था जिसको कोई भी इंडियन कंपनी कभी ओवरटेक नहीं कर सकती। मतलब इंडियन कंपनी के पास इतनी स्ट्रेटेजी, इतने बोलते हैं ना कैपेबिलिटी, ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसके लेवल का कुछ गेम बना सकता है। ये भी एक होगा, ये एक लो क्वालिटी का जैसे ही गेम होगा, मतलब जैसे कि इंडियन गेम्स कैसी होती है, पर ये एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि ये जो गेम है ये उतना ही हाई डेफिनेशन, हाई टेक्नोलॉजी थ्रू पबजी जैसा होगा। फॉर गॉड सेक ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एक इंडियन गेम है। मुझे पता है बोलने को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर हमें पता है कि इंडिया का कैपेबिलिटी कितना है। और ये बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी पबजी तो बैंड हो गया, तो ये गेम आप डाउनलोड कर सकते हैं, डेफिनेटली आप ये गेम डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे देश, हमारे भारत से बन रहा है। और डोंट एक्सपेक्ट कि ये गेम पबजी जैसा जो एक्साइटमेंट, पबजी जैसा जो हाई कॉन्फ़िगरेशन, हाई डेफिनेशन टेक्नोलॉजी थ्रू होती थी, ये गेम में वैसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल फौजी का मीनिंग क्या है, FAU-G, फौज इज फियरलेस एंड यूनाइटेड डैश गार्ड। जहां तक ये सुनने में आया है ये गेम कैसा रहेगा कि बॉर्डर्स में जो सोल्जर्स, हमारे इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स रहते हैं, वो शायद हमारे देश को गार्ड, बॉर्डर्स में गार्ड करते होंगे, और जो भी एनिमीज, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी, चाइनीज और जो जो देश के लोग हमारे इंडिया को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ये गेम होगी। डेफिनेटली किलिंग रिलेटेड गेम तो है ही, जिसमें आप गन्स, मिसाइल्स, बहुत सारी चीज यूज कर सकते हैं, पर ये पबजी जैसा गेम एग्जैक्टली नहीं होगा, बिकॉज पबजी वॉज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, फौजी विल बी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अभी बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे टाइम पे वो लॉन्च कर रहे हैं, जहां तक कि इसके को फाउंडर है उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग इसके ऊपर मई या जून से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा ऐसा कोई रिलेटेड नहीं था कि पबजी बैंड हो जाएगा तो हम लोग ये लॉन्च करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। पर फैक्ट यही है कि इन लोगों को बहुत पहले से पता चल गया था कि पबजी बैंड होने वाला, तो यही मौका है कि बोलते ना गरम लोहे पे हथौड़ा मार दो, फौजी लॉन्च करो और बहुत सारे नोट कमाएंगे, यही है। तो होप एक बार डाउनलोड कर दीजिए, पर हाँ इतना एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि जो एक्साइटमेंट आप पबजी खेलते हुए हम सबको मिलती थी, आप सबको मिलती थी, वो आपको ये फौजी गेम में मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन इंडियन गेम। हमारा कोई भी चीज, चाहे वो कार्टून हो, मूवीज हो या गेम हो, वो बहुत ही
अलग लेवल के रहती है, बहुत ही स्लो रहती है, मतलब उतनी हाई लेवल तक हम लोग अभी भी पहुंचे नहीं है और पहुंचना भी दूर की बात है। सो डोंट एक्सपेक्ट मच, यही एक अपडेट था, तो अक्टूबर एंड तक वेट कीजिए। और हाँ, एनकोर गेम्स और दो गेम्स ला रहे, एक म्यूजिक गेम ला रहे, वो भी शायद अक्टूबर एंड तक इन लोग लॉन्च करेंगे, और एक क्रिकेट गेम ला रहे जिसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। अभी वो क्रिकेट का जो अपडेट है वो कह रहे हैं कि वो आईपीएल जब चालू होगा उस टाइम ये क्रिकेट गेम को वो लॉन्च करेंगे। तो पबजी वालों, इतना मूड ऑफ मत कीजिए, एक लो वर्जन फौजी गेम डाउनलोड करके दीजिए, देखिए शायद आपको पसंद आए। पर मैंने कुछ लोगों से पूछा, गेमर्स से पूछा जो पबजी में मतलब हाईली एडिक्टेड थे, देश है कि हम लोग को इंडियन गेम्स से ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ये गेम स्लो होगी, इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशंस रहेगा, चाहे वो डिजिटली हाई होगा, जो भी डेफिनेटली इंडिया का है तो डेफिनेटली स्लो रहेगी और उतनी एक्साइटमेंट लेवल नहीं रहेगी। तो इंडियंस, जो मैंने पूछा या जो सर्वे मैंने आर्टिकल में पढ़ा, इंडियंस ज्यादा एक्सपेक्टेशन से गेम से नहीं रख रही है, पर डाउनलोड करने में क्या जाता है, एक बार डाउनलोड करके देख लो, अच्छा लगा तो खेलना, नहीं अच्छा लगा तो निकाल देना। बस यही एक छोटा सा अपडेट था। जय हिंद, जय भारत।